नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स टीवी और आपके साथ मैं हूं विशाल शांडिल्य। मेरे सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट शिवम शर्मा, असिस्टेंट लाइव प्रोड्यूसर विशाल सूजी। तो ऊना जिला में चल रहा एक अहम टूर्नामेंट एक बार फिर आपके साथ लाइव सीधा प्रसारण लेकर जुड़े हैं। पुलिस लाइन्स ग्राउंड झलेड़ा थे, जहाँ इस वक्त T20 और ये देखिए पहली ही स्लिप में कैच थमा बैठे। शानदार गेंदबाजी लेफ्ट हैंडेड विशाल की और स्लिप में मौजूद खिलाड़ी विवेक ने कोई गलती नहीं की कैच को लपकने में। बेहद आसान सा कैच यहां पर, अभी पिछली ही गेंद पर स्ट्रेट ड्राइव शानदार चौका यहां पर लगाया था इसी बल्लेबाज ने, लेकिन अगली ही गेंद जो थोड़ी बहुत उछाल भरी थी बाहर जाती गेंद को छेड़ने का प्रयास किया और पहली ही स्लिप में यहां पर कैच थमा बैठे। तो पहली विकेट का पतन होते हुए सोंधी इलेवन और तनोह के बीच यहां पर मैच यहां पर चल रहा है। बंगाणा के तनोह की ये टीम इस प्रतियोगिता में यहां पर हिस्सेदारी के लिए पहुंची है और सोंधी इलेवन के साथ आज इनका मैच यहां पर सुबह के सत्र में हुआ पहला मैच। ऊना पुलिस ने अपने नाम किया था और न्याला के साथ हुए इस मुकाबले में महज 7 ही ओवरों में लक्ष्य को पूरा करते हुए मैच अपनी झोली में डाला। बेहद शानदार गेंदबाजी रही और बाएं हाथ के गेंदबाज जरूर डोमिनेट करते हैं राइटी बॉलर्स को। गेंदबाजी में पहला परिवर्तन चौथे ओवर में यहां पर देखने को मिल रहा है। तो एक एंड से विशाल और दूसरे से विशी। थर्ड मैन एरिया पर बहुत ज्यादा फाइन रखा हुआ खिलाड़ी, क्योंकि कीपर अगर यहां से चूकता है तो उसके बाद फाइन लेग पर उसको ले आए हैं। थर्ड मैन पर अलग से खिलाड़ी लगा दिया गया है। डीप में सिर्फ यही दो खिलाड़ी बाहर और बाकी सभी खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल के अंदर यहां पर रखे हुए हैं। ओहो, शानदार गेंद लेकिन लेग स्टंप को छोड़ते हुए जाती अगर पैड पर नहीं लगती तो। ओहो, ब्लॉक होल में गेंदबाजी कर रहे हैं और ये डायरेक्ट हिट, लेकिन अंपायर ने नकारा क्योंकि पहुंच चुके थे। तो युवाओं को नशों से दूर रखने के लिए इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है और प्रतियोगिता की लोकप्रियता का आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि एक तरफ महतपुर जो कि हिमाचल का प्रवेश द्वार है वहां से टीम्स यहां आ रही हैं, बंगाणा लठियाणी से यहां पर टीम्स खेलने आ रही हैं, दौलतपुर चौक एक अलग क्षेत्र पंजाब की तरफ पड़ता है वहां से भी टीम्स यहां पर पहुंची हैं। और ये देखिए बाहर जाती गेंद को अपर कट करने का प्रयास किया था, हालांकि कैच नहीं लपक पाए पॉइंट पर खड़े फील्डर। तो स्लिप यहां पर जरूर रखी हुई है ताकि जो चांस पिछले ओवर में बना था उसको भुनाया भी गया बड़े आसानी से। लोअर बाउंस, गेंदबाजी आक्रमण बेहद शानदार अभी तक और ये ड्राइव किया स्क्वायर ड्राइव, 4 रन मिलेंगे यहां पर। हालांकि स्क्वायर पर ज्यादातर कट करते हैं लेकिन बहुत ज्यादा समय मिला ड्राइव करने का बल्लेबाज को और आराम से उसे टहला दिया स्क्वायर की दिशा में 4 रन। पॉइंट के फील्डर को बीट करते हुए गेंद सीमा रेखा के बाहर। अगली गेंद और एक बार फिर उसी दिशा में खेला, इस बार टियर किया था थोड़ा सा ओवर की समाप्ति।
चार ओवर का खेल यहां पर खत्म हो चुका है, पहली पारी यहां पर शुरू हुई है। 28 रन बोर्ड पर लग चुके हैं, एक विकेट का नुकसान भी यहां पर सोंधी 11 को हो चुका है। पांचवा ओवर एक बार फिर से विशाल के हाथ में, बाएं हाथ के बल्लेबाज, बाएं हाथ के ही गेंदबाज, थोड़ा बहुत उछाल मिला था, हुक करने का प्रयास था, लेकिन शॉर्ट मिड विकेट पर खिलाड़ी तैनात है। पिछले ओवर में विकेट चटकाया था विशाल ने और एक बार फिर से कंटिन्यू कर, और ये देखिए थोड़ा इसी तरह से पिछले ओवर में भी ललचाया था बाहर रखकर बल्लेबाज को, और किनारा लेते हुए किनारे को छूती हुई बॉल कीपर के दस्तानों, माफ कीजिएगा, फर्स्ट स्लिप के हाथों में यहां पर महफूज। और ये देखिए कट किया था रन लेने का प्रयास, लेकिन कोई रन नहीं, फील्डिंग बेहद चुस्त और दुरुस्त। जब जब गेंद और खिलाड़ी का यहाँ पर एनकाउंटर हुआ तो उसमें खिलाड़ी ने जीत दर्ज की है तनों की, ये यहाँ पर एक बेहद खास बात देखने को मिली है। और ये देखिए फिर से, और इस बार डीप में भी खिलाड़ी मौजूद है यहाँ पर, और थर्ड मैन एरिया से। तो ये है वो लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन जिसमें जरूर कहीं ना कहीं गेंदबाजी आक्रमण के लिए चिंताएं रहती हैं। फाइन लेग को बेहद यहां पर वाइड रखा है, और ये बेहद क्लोज कॉल। तो स्क्वेयर लेग पूरी तरह से खाली है। अगर बात करें ऑन साइड की तो यहाँ पर लगभग मिड विकेट से खिलाड़ी फील्डर यहाँ पर शुरू होते हैं। फाइन लेग को आपने लगभग विकेट के पीछे रखा है, बिल्कुल हमारे कमेंट्री बॉक्स के नीचे यहाँ पर खिलाड़ी तैनात हैं। और ये देखिए स्क्वेयर थोड़ा सा रखा खिलाड़ी, स्क्वेयर बाएं हाथ के बल्लेबाज बेहद शानदार ड्राइव किया था कवर्स की दिशा में, एक रन जरूर मिलेगा। फील्डिंग बेहद शानदार तनों की अगर बात करें। ओवर की समाप्ति, तो पांच ओवर की समाप्ति के बाद 32 रन बोर्ड पर लग चुके हैं, एक विकेट के नुकसान पर। पवेलियन एंड से गेंदबाजी आक्रमण को बदला गया है, अमन ठाकुर 99 की जर्सी में तनोह की तरफ से संभालेंगे बॉलिंग अटैक। Thank you.
पावर प्ले में दो ही खिलाड़ियों को 30 यार्ड सर्कल के बाहर रख सकते हैं और वहां पर फाइन लेग और थर्ड मैन पर खिलाड़ी तैनात किए गए हैं। मिड ऑफ की दिशा में खेला, ड्राइव किया था, कोई रन नहीं मिलेगा। फील्डिंग बेहद चुस्त और दुरुस्त तनों की, इंतजार नहीं करते गेंद का बल्कि गेंद की तरफ अटैक करते हैं फील्डर्स, और यही वो चीज रहती है जब आप बल्लेबाज को भी डबल माइंड कर देते हैं कि रन लें या ना लें। ओ हो, यॉर्क करने का प्रयास, दिशा हल्की सी भटके लेकिन फंबल करने में कामयाब बल्लेबाज को भी। अभिषेक शर्मा गगरेट हमारे साथ जुड़े हैं और ये ऊना के पुलिस लाइंस ग्राउंड में ये मैच हो रहा। अभिषेक धन्यवाद, खुशी सौंधी। पुलिस लाइंस झलेड़ा में यहाँ पर जो मैच यहाँ पर ये चल रहा है तनोह 11 और सोंधी 11 के बीच, सोंधी 11 एक विकेट का नुकसान यहाँ पर हो चुका है, 33 रन छठा ओवर ये चलते हुए। ड्राइव किया था बेहद शानदार तरीके से और एक रन ही मिलेगा। शानदार शॉट, ना तो गेंद में कोई कमी थी और न शॉट में कोई कमी, हालांकि फील्डिंग भी उतनी ही बढ़िया। हेल्दी क्रिकेट इसी को आप कह सकते हैं कि जब से सारे डिपार्टमेंट्स अपना बेस्ट देने का प्रयास यहां पर करें। ओ हो, फिर से किनारा लेते हुए गई थी गेंद और कीपर के हाथ से गेंद छिटक गई, और ये बेहद कम देखने को मिलता है जब कीपर के हाथ से गेंद छटक जाए। और ये लकी पठानिया जी ऊना के इन पुलिस लाइंस ग्राउंड में यहाँ पर ये मैच हो रहा है। तो गेंदबाजी एक्शन को लेकर थोड़ा सा यहाँ पर जो है वो विवाद खड़ा हुआ है। अंपायर्स को लगता है कि कहीं ना कहीं ये जर्क हो रहा है। हालांकि दे विल बी हैप्पी विद ऑल दैट दिस टाइम। और ये ड्राइव किया कवर की दिशा में, कोई रन नहीं मिलेगा। आपत्तियां दर्ज करवाई जाती हैं, हालांकि कई बार अंपायर्स भी संज्ञान लेते हैं इन चीजों का। जब आप खेल भावना से अलग होने का प्रयास करते हैं तो जरूर वहां पर आपको रोका जाता है। ओ बैट पैड, ओवर की समाप्ति। जरूर आप अपने भी कमेंट्स गेंदबाज को लेकर रख सकते हैं। ओवर पूरा किया गया है अमन ठाकुर का और जरूर यहां पर चर्चा अंपायर के बीच में भी हुई।
तो सातवां ओवर यहां से शुरू हो रहा है, 6 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। तो बॉलिंग में परिवर्तन, जंगल एंड से पहली बार गेंदबाजी आक्रमण में परिवर्तन। पहला, तीसरा और पांचवा ओवर विशाल ने फेंका था। चलिए शुरू से जंगल एंड, जिस जगह हम बैठे हैं इसे पेविलियन एंड का नाम दिया गया है, जबकि सामने की तरफ आप देखते हैं। और ये देखिए फाइनल की दिशा में खेला, लेफ्टी बल्लेबाज हैं और सिंगल जरूर मिलेगा, फील्डिंग बेहद चुस्त दुरुस्त। और ये बेहद शानदार शॉट, हालांकि बाउंड्री से बेहद करीब था। लॉन्ग ऑफ की दिशा में टहला दिया, 1 रन मिलेगा जरूर यहां से। हवा में खेला शॉट लेकिन कैरी नहीं कर पाए। तो 8वां ओवर प्रगति पर है, 41 रन लग चुके हैं और यहां से माफ कीजिएगा 7वां ओवर यहां पर चल रहा है, 41 रन बोर्ड पर लग चुके हैं और एक्सेलरेट करना चाहेंगे यहां से रन रेट को। रोहित कुमार शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं, खुशी सोंधी, दानिश खान, अंकित शर्मा, वशिष्ठ, ऊना के जलेडा में ये मैच हो रहा है जी। और ये देखिए शानदार शॉट उठाकर खेला, मिस फील्ड और उसके साथ ही 4 रन। क्रिकेट मैदान तो छोड़िए, बास्केटबॉल कोर्ट को भी पार कर गई है गेंद। तो क्रिकेट के जिला स्तर पर इस महाकुंभ में 24 टीमें भाग ले रही हैं और जिला के दूर दराज क्षेत्रों से ये टीम्स यहाँ पर पहुंची हैं। तमाम ग्रामीण या शहरी युवाओं को इस टूर्नामेंट में हुनर दिखाने का मौका दिया गया है पुलिस विभाग की तरफ से। इस प्रतियोगिता की थीम नशा हटाओ खेल बढ़ाओ। जगह
अमन ठाकुर को एक बार फिर से लाया गया गेंदबाजी आक्रमण पर, और ये देखिए शानदार, और एक ही हाथ से पॉइंट के फील्डर बेहद मुस्तैद है। तो सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर चौको छक्कों की बारिश देखने को नहीं मिली, एक तो नपी तुली गेंदबाजी और दूसरा फील्डिंग पर जो तनों की टीम यहाँ पर काम कर रही है वो निश्चित रूप से काबिले तारीफ। बेहद कम मौके ऐसे देखने को मिले जब गेंद यहाँ से फील्डर को पार करके सीमा रेखा के बाहर गई हो। ब्लॉक हॉल में गेंदबाजी का प्रयास किया जा रहा है, और निश्चित रूप से ब्लॉक हॉल में जब गेंदबाजी गेंदबाज करता है तो फिर बल्लेबाज के लिए काफी परेशानियां वहां पर खड़ी हो जाती हैं। एक विकेट गिरा था लेकिन उसके बावजूद अभी भी ओहो लॉन्ग ऑन पर खेला, एक रन मिलेगा, एक ही रन से संतोष करना पड़ेगा। दानिश खान जी, ऊना के झलेड़ा का ये पुलिस लाइन्स ग्राउंड है। बल्ला घुमा दिया, गेंद पर नजर नहीं थी, कहीं ना कहीं प्रेशर अब बल्लेबाजों पर जरूर है रन रेट को एक्सेलरेट करने का, यही कारण है कि अब बिना देखे बल्ला घुमाने का काम किया जा रहा है, और यही वो चीज होती है जो गेंदबाजी आक्रमण ढूंढता है। ओहो हवा में गेंद और चार रन्स भी देकर जाएगी। लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी को काफी भागना पड़ा लेकिन नहीं पहुंच पाए समय तक। काफी देर के बाद ये चौका आया है, काफी राहत सोंधी 11 को इससे मिलेगी। दिशा भटके, अगली ही गेंद वाइड बॉल, ओवर की समाप्ति। लाइव टाइम्स टीवी के लिए पुलिस लाइंस ग्राउंड जलेड़ा से वीडियो जर्नलिस्ट शिवम शर्मा, असिस्टेंट लाइव प्रोड्यूसर विशाल सूद जी के साथ विशाल शांडिल्य। तो स्कोर की बात करें तो 8 ओवर के बाद यहां पर स्कोर लगभग 46 पहुंच चुका है। ठीक है विशाल जी।